करीब 80% लोग कभी ना कभी लोअर बैक पेन यानी कमर दर्द का सामना करते हैं। रोज़मर्रा से जुड़ी इस परेशानी को थोड़ी सी शारीरिक सक्रियता बढ़ाकर और जीवन शैली सुधार कर आसानी से दूर कर सकते हैं। आज की वीडियो में ज़बरदस्त आपका वैल्यू एडिशन करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हर उम्र के लोगों को पीठ और कमर के दर्द की शिकायत देखी जा रही है। इसके लिए सिडेंट्री लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। कमर दर्द किसी को किसी भी उम्र में हो सकता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। आमतौर पर पीठ और कमर दर्द हड्डियों और मांसपेशियों के कमज़ोर पड़ने के कारण होता है। ऐसे में मोच, हल्का जोर पड़ने या खिंचाव होने से कमर दर्द शुरू हो सकता है। बढ़ती उम्र और विटामिन डी की कमी से भी ये परेशानी होती है। लैंसेट के हालिया अध्ययन की माने तो आने वाले दशकों में पीठ दर्द की समस्या सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी। जिस तरह से लोग पीठ दर्द की शिकायत करने लगे हैं, उससे भी इस गंभीरता को समझा जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ सेहत को लेकर अपनी सतर्कता भी बढ़ाई जाए। दोस्तों, कमर दर्द के लिए अगर आप एक अच्छा लंबो सैक्रल बेल्ट ढूंढ रहे हैं तो आपको अगेरो ब्रांड के एलएस बेल्ट की तरफ जरूर जाना चाहिए। यह लंबो सैक्रल बेल्ट इलास्टिक लूप टेक्निक से बना है। साथ ही इसमें ड्यूअल वेलक्रो सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि कमर पर ज़्यादा कंफर्टेबल और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद करता है। अगर आप इस बेल्ट को परचेज करना चाहते हैं तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। पीठ दर्द की समस्या को दो तरह से समझा जा सकता है, पहला ग्रीन फ्लैग साइन और दूसरा रेड फ्लैग साइन। ग्रीन फ्लैग के ऐसे लक्षण होते हैं जिसका समाधान सामान्य जागरूकता, शारीरिक सक्रियता और सामान्य उपचार से किया जा सकता है। आमतौर पर ये समस्या बढ़ती उम्र, शरीर में विटामिन डी की कमी, गलत मुद्रा में घंटों बैठने, गलत ढंग से सोने जैसी वजहों से होती है। एक उम्र के बाद हड्डियों के कमज़ोर पड़ने पर और खिंचाव जैसी दिक्कतें स्वाभाविक है। वहीं रेड फ्लैग की बात करें तो ये लक्षण गंभीर चेतावनी देते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, शायटिका जैसी गंभीर बीमारियों के शुरुआती लक्षण भी हो सकते हैं। अगर कई सप्ताह तक लगातार दर्द बना रहे, बुखार और सूजन रहे तो सतर्क हो जाएं और आवश्यकता पड़ने पर बिना देर किए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।